माँ के पेट से जो यूट्रस होता है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, कौन सी कंडीशन होती है तब हमें यूट्रस बाहर निकालना पड़ता है, और इसका यूट्रस बाहर निकालने के बाद में हम महिला की लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कब जरूरी है ऑपरेशन निकालना, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। यूट्रस के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे महिला को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक ही नहीं रहा, या जो यूट्रस है उसकी ओवरग्रोथ हो गई, उसकी एंडोमेट्रियोसिस हो गई, यानी जो यूट्रस की जो दीवारों की साइज है वो बहुत ज़्यादा हो गई, उसके वजह से बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन होता है और ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। यूट्रस के अंदर लंबे समय तक इन्फेक्शन हो, दवाइयों से इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा हो, यूट्रस के अंदर फाइब्रस टिश्यू यानी छोटी छोटी गांठें बन जाना, ये गांठे की वजह से भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है यदि फैमिली कंप्लीट हो गई तो। यदि आपको बच्चे की आवश्यकता होती है तो उस टाइम आजकल सिर्फ गांठों को ही निकाला जाता है, पूरा यूट्रस ऐसे कैसे माँ के पेट में रहता है। या बच्चेदानी का जो मुंह है उसमें कैंसर हो गया हो, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह में कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, फैमिली आपकी कंप्लीट हो गई तो पूरा यूट्रस निकाल दिया जाता है। यदि फैमिली कंप्लीट नहीं हुई तो सिर्फ बच्चेदानी के मुँह का ही ऑपरेशन किया जाता है, या आपके यूट्रस में ही कैंसर हो गया, कैंसर से आपकी पूरी लाइफ यानी आपका पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है, आपके लाइफ अगर रखने की वजह से आपका पूरा यूट्रस ही निकालना पड़ता है। यूट्रस के साथ में कई बार आपके अंडाशय भी निकालने को निकाले जाते हैं, क्योंकि अंडाशय में भी कई बार इन्फेक्शन हो या गांठे बन जाए या कैंसर हो जाए या और कोई जो है प्रॉब्लम उसकी वजह से देखा जाए तो कई बार यूट्रस के साथ साथ में आपके अंडाशय भी निकाला जाता है, जिसको ओवरी बोलते हैं। अंडाशय में दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो महिला के लिए बहुत आवश्यक हैं। उसका एक आकर्षण बनाए रखने के लिए वो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेंटली संतुलन जो मेल की तरफ आकर्षण होता है उसको बनाए रखने के लिए वो हार्मोन आवश्यकता होती है, इसलिए जल्दी सी उस अंडाशय को नहीं निकाला जाता है। पर कोई प्रॉब्लम है तो अंडाशय को निकाल दिया जाता है, इसलिए अगर अंडाशय के साथ निकाला जाता है तो एक हार्मोनल थेरेपी महिला की चलती है। जब ये अंडाशय निकालते हैं या यूट्रस निकालते हैं तो मीनोपोज आ जाता है। मीनोपोज का मतलब होता है कि महिला की मासिक धर्म रुक जाती है, जो हर महीने आता है, पीरियड आता है, वो नहीं आता, उसकी वजह से काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, पर वो हार्मोनल थेरेपी से ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अब ये यूट्रस निकालने का ऑपरेशन तीन टाइप से हो सकता है। एक माँ के पेट में चीरा लगाया जाए, जो निचले हिस्से में चीरा लगाया जाता है और उस दौरान उस चीरे से आपके यूट्रस तक पहुँचा जाता है और यूट्रस को कट करके निकाल दिया जाता है। अगर साथ में बच्चेदानी के साथ में ही अगर आपके अंडाशय जिसको ओवरी बोलते हैं उनको भी निकालना होता तो वो भी निकाल दिया जाता है। अब आता है कि पेट पे चीरा ना लगाएं, सिर्फ पेट में तीन छेद करें, जिसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन बोलते हैं, और इस लैप्रोस्कोपी के माध्यम से पेट में छेद करके इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है और इसी यूट्रस को कट कर दिया जाता है। जब यूट्रस को कट कर दिया है तो वो छेद में से तो बाहर नहीं आएगा, पर उसको जो वेजाइना के माध्यम से जैसे बच्चा बाहर निकलता है वैसे यूट्रस को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा आता है कि आपकी जो योनि है, वेजाइना है, उस पर ही कट लगाया जाए और वहाँ से ऑपरेशन करके यूट्रस को कट करके और उस योनि के माध्यम से ही बाहर निकाल दिया जाए। तो ये तीन टाइप से ऑपरेशन होता है। सबसे ज़्यादा होता है लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, जिसमें छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, इसमें बहुत कम ब्लीडिंग होती है, घाव बहुत कम होता है, जल्दी पेशेंट रिकवर होता है। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? एक तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है ऑपरेशन के दौरान, या ऑपरेशन के बाद अनहाइजीनिक रहोगे तो आपको हाइजीनिक रहना है। आपको डॉक्टर उसके प्रिवेंशन के लिए पहले से एंटीबायोटिक थेरेपी देता है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन होगा तो मवाद बनेगी, घाव नहीं भरेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, तो इस वजह से आपको एंटीबायोटिक जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है वो ज़रूर आपको टाइम से लेना है, और जो उसके ऊपर पट्टी की जाती है वो आपको 3-4 दिन बाद वो चेंज करवानी होती है और अपने टाँके कटवाने होते हैं, तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है तो आपको 4-5 दिन में छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से, पर इसको रिकवर होने में लगभग 5-6 हफ्ता यानी 1-1.5 महीना लगता है। जब तक आप हल्का काम करें, बेड रेस्ट करें, ठीक है, ऐसा हैवी कोई काम ना करें और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखें। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।